हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पर। चूंकि इस समय यूपी टेट की परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है, उसी को देखते हुए मैंने कुछ आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स बताने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे किसी भी संख्या का, अर्थात ऐसी संख्याएँ जो पूर्ण वर्ग हैं, उनका वर्गमूल आप तत्क्षण कैसे निकालें। इसके लिए आपको अनुमान विधि का प्रयोग हम करेंगे, और वो भी अनुमान विधि ऐसी जो आपको करेक्ट आंसर बताएगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक से दस तक के वर्ग आने चाहिए। ये देखिए वर्ग हमने लिख रखे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं किसी संख्या का वर्ग करता हूँ, तो ये जानना होगा कि जब मैं किसी संख्या का वर्ग करता हूँ एक से दस तक, उसमें कौन कौन से ऐसे अंक हैं जो वर्ग करने पर नहीं आते। देखिए मैंने जब वर्ग किया तो उसमें कभी भी वर्ग करने पर, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर, उसमें इकाई का अंक दो नहीं आता, तीन नहीं आता, सात नहीं आता, आठ नहीं आता। ये देखिए किसी भी संख्या के वर्ग में दो, तीन, सात और आठ इकाई के अंक पे नहीं आता। अर्थात इनका जब मैं वर्ग करने के लिए वर्गमूल निकालूं तो देख लूं कहीं इनके इकाई के अंक पे ये अंक तो नहीं आ रहा है। उनको तो पहले ही आप इग्नोर कर दीजिए, वो उसका उत्तर हो ही नहीं सकते। इसका क्या मतलब है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे और देखने के बाद ये चार अंक देख लेंगे हाँ या नहीं है। अब मैं इसके बाद बात करता हूँ किसी भी संख्या का वर्ग आप चुटकियों में कैसे निकालें। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि जो भी संख्याएं एक से दस तक हैं, या 21 से 30 तक हैं, या 40 से 50 तक हैं, इनके बीच में कौन आता है, एक ऐसा अंक जरूर आता है जिनका इकाई का अंक पाँच हो। जैसे एक से लेकर दस तक, एक से लेकर दस तक में पाँच बीच में आता है, 11 से लेकर 20 तक 15 आता है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप अपने उत्तर तक बिल्कुल परफेक्ट पहुंच सके। कैसे, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है 10 और 24, इसका वर्गमूल निकालना है। सर्वप्रथम करते क्या है, इसमें सबसे पहले उसे दो भाग में ब्रेक कर देते हैं। दो बराबर भाग नहीं, पीछे से दो अंकों को छोड़ देते हैं। ऐसे दो अंकों को छोड़ने के बाद, यानी दो अंक छोड़ दिया, अब जितना इधर बचेगा, सपोज करिए ये है, अब मैं ये ध्यान करूंगा कि चार किसके इकाई के अंक में आता है। दो दूनी चार, यानी दो आता है और आता है आपका आठ, आठ अठाई 64, यानी दो और आठ, यानी कोई ऐसी संख्या का ये वर्ग रहा होगा जिसमें इकाई का अंक दो अथवा चार रहा होगा। बस इतना करना है। इसके बाद जो इस ओर जितने अंक बचेंगे उसका ये किस संख्या का वर्ग है। दो दूनी चार अभी कम है, तीन तिहाई नौ बहुत नियरेस्ट है, चार चक्कू 16 ज्यादा हो रहा है, इसलिए तीन तिहाई नौ। अब बात आएगी कि उत्तर 32 का है या 34 का है, सॉरी 38 का है। इसके लिए हम नियरेस्ट मेथड अनुमान लगा सकते हैं। तीन तिहाई अगर 30 होता, अगर 30 होता स्क्वायर करते तो तीन तिहाई 900 करीब, और ये 38 से लगभग 40 मान लें, चार चौक 16। इसका मतलब ये संख्या बहुत ज्यादा हो रही, ये नियरेस्ट है, इसका उत्तर ये हो जाएगा। बहुत आसान है। इसके बाद अगर आपको ये उत्तर बिल्कुल कंफर्म करना है तो मैंने जैसा कि आपको बताया था इसके बीच में बीच की संख्या लिखते हैं 35, और 35 का करते हैं वर्ग। वर्ग कैसे करते हैं इसके लिए आपको नियम बता चुका हूँ। जो लास्ट की संख्या होती है उसका वर्ग लिख देते हैं 25, और जो आखिर की संख्या हो दहाई वाला अंक उसको आप उसकी अगली से गुणा कर दीजिए। तीन है तो उसको चार से कर दीजिए, चार तिहाई 1225। 35 का वर्ग होता है 1225, ये तो बहुत कम है, तो जो वर्ग 35 का नहीं है वो 38 का नहीं हो सकता, इसलिए 32 का होगा इसका, ये नहीं हो सकता। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ इसी को समझाने के लिए। छोटा है 295, ब्रेकिंग किया, तीन ये किसका है, तीन तिहाई नौ और सात सती 49,
यानी इस संख्या का वर्ग है जिसके लास्ट में या तो 3 होगा या 7 होगा। तो ये इसका वर्ग है, इसका देखिए वर्ग देखते हैं, 2 × 4 23 और 27। फिर वही नियरेस्ट मैथड, 2 × 4 और 27 का देखेंगे, 3 अगर मान लेते हैं 30 हो जाते हैं, 3 × 9 तो हालांकि नियरेस्ट यही, लेकिन नहीं मालूम तो आप यहाँ से ले लीजिए, 25 और 25 का वर्ग, 25 इसको गुणा कर देंगे आगे से, 3 × 6 625, यानी 25 का वर्ग होता है 625। ये चूंकि बहुत कम है तो 27 का तो हो नहीं सकता, 23 का वर्ग हो गया। आगे आइए देख लेते हैं बहुत आसानी से, 40 96 दो भागों में बांटेंगे, 6 6 36 आता है देखिए, और 4 × 16 जिसके इकाई का अंक 4 या 6 है। अब ये देखिए 6 6 36 67 49 हो नहीं सकता, या तो 66 है या फिर 64 है, बीच में क्या है, ये थोड़े नियरेस्ट ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे इसमें आपको 65 लिख लेंगे, 65 का वर्ग कितना होगा, 25 25 6 7 42 42 25, चूंकि 42 25 64 जब 65 है हमारे पास, 66 हमने ऊपर लिख रखा था, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 65 का है 42, तो 42 से 65 का 42, और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 66, तो 66 का तो हो नहीं सकता क्योंकि कम है, इसका मतलब ये वर्गमूल किसका हो गया, 64 का हो गया। आगे थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ये देखिए छोड़ दिया, ये सिर्फ 5 ही का होता है, कुछ नहीं करना, ये दद्दाम 100 11 ग्रेम 121 दद्दाम 100 होगा, 121 हो नहीं सकता, 105 का ही होगा, उत्तर आपका खत्म है। अगर मैं इसकी बात करूं देखिए 53 39 9 किसमें आता है, 3 3 9 इकाई अंक 3 होगा या फिर 7। अब ये किसका है, 7 7 49 8 2 7 ज्यादा हो गया, तो या तो 73 का है या 77 का है, इन दोनों के बीच आता 75, मतलब ऐसी संख्या लेना जिसका इंड 5 हो, वो इनके बीच में जरूर मिलेगा आपको, 55 25 और 8 7 56 5625 जब 75 का 5625 उससे तो बहुत कम है, तो 77 होने का सवाल ही नहीं, 73 का। इस मेथड का प्रयोग करके किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग आप विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। हम मिलते हैं आपको एक नई ट्रिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।